और चलिए इस बीच नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। प्लॉट में नरकंकाल मिलने से मचा हड़कंप। बड़ी खबर है नोएडा से इस वक्त की। प्लॉट में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को कब्जे में लिया। डीएनए टेस्ट के लिए कंकाल को भेजे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तो नरकंकाल मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, नोएडा का एक बहुत ही पॉश इलाका है, सेक्टर 26 का ये इलाका है, और इसी के एक खाली प्लॉट में एक सर्वेंट रूम बना हुआ था, उसमें नरकंकाल मिला है। और प्लॉट में सिर्फ एक सर्वेंट रूम ही बना हुआ था। ये बताया जा रहा है कि एक कारपेट कारोबारी है, उनका ये प्लॉट है, जो कि दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते, वहां से बाहर रहते हैं। और एक साल के पहले तक, यानी कि कोरोना काल से पहले तक यहाँ पर एक केयर टेकर था, लेकिन कोविड के टाइम पे वो केयर टेकर दिल्ली में अपने घर चला गया था, जिसके बाद इस प्लॉट पर कोई भी नहीं था। लगभग एक साल के बाद कल कारोबारी ने किसी को प्लॉट देखने के लिए भेजा है, हालचाल लेने के लिए भेजा, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस कमरे में एक नर कंकाल मिलता है। बड़ी बात यह है कि अगल बगल इस प्लॉट के मकान बने हुए हैं, लोग रहते हैं उसमें, तो ऐसे में सवाल है कि कैसे किसी को डेड बॉडी की कोई गंध कभी लगी नहीं। सवाल ये भी है कि क्या किसी डेड बॉडी को वहां पर लाया गया था, या फिर सिर्फ नरकंकाल को यहाँ लाकर डिकम्पोज करने की कोशिश की गई है। डीएनए जांच के लिए कंकाल को भेज दिया गया है और तमाम एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए।